तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज के सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। और उससे पहले दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई अब 29 को। यह बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी वन्य मंदिरों में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर आज सुनवाई टल गई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 29 नवंबर की तारीख दी है। याचिका पर बहस होनी थी लेकिन कोर्ट ने बिना सुनवाई करने आगे की तारीख लगा दी है। टीटी के धक्का देने से ट्रेन से गिरे जवान की मौत, दूसरा पैर काटने के बाद बिगड़ी हालत। जी हां, बता दें कि टीटी के धक्का देने से ट्रेन से गिरे राइफल मैन सोनू कुमार सिंह 30 वर्षीय की मौत हो गई है। दूसरा पैर काटे जाने के बाद जवान की तबीयत हर घंटे खराब होती गई। आर्मी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव बलिया स्थित जवान के गाँव भरसोता में ले जाया गया। लोकतंत्र को दमन तंत्र से नहीं दबा सकते, बर्दाश्त करने का मादा इतिहास में याद रखा जाएगा, आजम खान ने कहा। जी हां, बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लंबे समय बाद चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि लोकतंत्र को दमन तंत्र से नहीं दबाया जा सकता। वहीं चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव में अन्याय का इतिहास रचा जा रहा है, इसमें जुल्म करने वालों को जुल्म और बर्दाश्त करने वालों के बर्दाश्त करने का मादा इतिहास में याद रखा जाएगा। अब बैंड बाजा बारात में शामिल होंगी परिवहन निगम की ई बसें, जानिए कितना देना होगा किराया। जी हां, बता दें कि परिवहन विभाग की लग्जरी इलेक्ट्रिक बस अब बैंड बाजा बारात का भी हिस्सा बनेगी। बता दें कि शानदार ऐसी बसों को किराया पर लिया जाएगा, बारात में इसकी सवारी की जा सकेगी और दूल्हा दुल्हन और बाराती सफर कर सकेंगे। कमाई के लिहाज से विभाग ने ई बसों की बुकिंग शादी ब्याह में भी करने का फैसला किया है। पूर्व बीजेपी विधायक को इलाहाबाद एचसी से झटका, मुजफ्फरनगर दंगा मामले में सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज। यह बताने की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले पर सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सजा निलंबन याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के चलते निलंबित करना राष्ट्रहित और आम नागरिकों के हित में है। यूपी में राहुल गांधी को अब 16 दिन घुमाने की तैयारी, भारत जोड़ो यात्रा के रूट में बदलाव कर सकती है कांग्रेस। यह बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है ताकि वो यूपी में थोड़ा समय और बिता सके। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए सरकार ने संबद्धता का रास्ता खोला, 9 संस्थानों की लिस्ट जारी की। उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए सरकार ने संबद्धता का रास्ता खोल दिया है। सरकार ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि वह यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड से ही मान्यता ले। राज्य के 9 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिनकी डिग्री यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड समकक्ष है। यूपी से बिहार एमपी के लिए फिर दौड़ेंगी रोडवेज की बसें, रीवा गया और पटना रूटों पर मिलेगी अनुमति। यह बताने की लगभग 6 साल से बंद गया और पटना रूट पर रोडवेज बस सेवा फिर से शुरू होगी। वहीं रीवा यानी मध्य प्रदेश के लिए भी बस दौड़ेगी। लखनऊ स्थित मुख्यालय से 3 रूटों पर 2-2 बसें चलाने की अनुमति मिल गई है। सीएम योगी की गुजरात में हुकार, कांग्रेस में भाजपा ही देगी आपका साथ। यह बताने की गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की कार्बन कॉपी है, उनका भी रोज कोई न कोई घोटाला सामने आ रहा है। जौनपुर में सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बन गए सैकड़ों मकान, अब तोड़ने की नोटिस से खलबली। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क किनारे स्थित पीडब्ल्यूडी की जमीन पर ही सैकड़ों मकान बन गए हैं। तो सप्ताह पहले मुख्य सड़क के मध्य से 10 मीटर दोनों तरफ जमीन खाली करने के लिए लाल निशान लगाया गया था और अब मकान को तोड़ने की नोटिस मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया है। पढ़ाई के लिए 6,000 रुपए देती है सरकार, ऐसे उठाए इस योजना का लाभ। जी हां, बता दें कि आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते जो बच्चे कम उम्र में ही स्कूल का बस्ता छोड़ जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य बाल श्रम करने वाले बच्चों को शिक्षित करना और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। बता दें कि इस योजना के तहत लड़के को 1,000 रुपए जबकि लड़की को 1,200 रुपए प्रति महीना आर्थिक मदद दी जाती है। वहीं उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन श्रम विभाग की वेबसाइट से किया जा सकता है। डिंपल तोड़ पाएंगी मैनपुरी का 71 सालों का ये रिकॉर्ड, मुलायम की विरासत बचाने के साथ सपा का बड़ा चैलेंज। ये बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर 5 दिसंबर 2022 को होने वाले उपचुनाव में सपा की उम्मीदवारी डिंपल यादव के सामने एक मिथक तोड़ने की चुनौती भी है। यह मिथक है कि इस सीट से आज तक किसी महिला प्रत्याशी न जीत सकने का।
यूपी का कोटा पूरा सीटेट देने जाना होगा मध्य प्रदेश या दिल्ली, सीबीएसई ने पहली बार तय की संख्या। यह बता दें कि केंद्रीय और नवोदय विद्यालय समेत अन्य स्कूलों और उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती में माने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इस बार हजारों अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बता दें कि इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने जिलों के लिए परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित कर दी है, यानी निश्चित संख्या के बाद उस जिले में परीक्षा की सुविधा नहीं मिलेगी और दूसरे जिले या फिर राज्य का रुख करना पड़ेगा। बैंक ग्राहकों को मिलेगी राहत, मिनिमम बैलेंस पर नियम बदलने के मिले संकेत। रिया बता दें कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में वित्त राज्य मंत्री भगवंत किशन राव करार ने एक अहम बयान में दिया है। उन्होंने कहा है कि बैंकों के निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की अनिवार्यता को हटा सकती है। आपको बता दें कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने वाले खाता धारकों को जुर्माना देना पड़ता है। घुटने और केहूनी के बल चलकर कांग्रेस पार्षद ने किया प्रदर्शन, कहा दौड़ते दौड़ते चप्पलें घिस गई है। यह बता दें कि घुटने और केहूनी के बल चलकर कांग्रेस पार्षदों ने अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया है। कोटे का टेंडर नहीं करने से खफा कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम मुख्यालय में अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया। 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार को मांगों से जुड़ा विज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नगर आयुक्त से बातचीत कर उचित कार्यवाही कराएंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबाएं। धन्यवाद।